राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से लागू पुरानी आबकारी नीति यानी ओल्ड एक्साइज पॉलिसी व्यवस्था के तहत राजधानी दिल्ली की सरकार ने एक महीने में 768 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को लागू की गई अपनी नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए 1 सितंबर 2022 से पुरानी आबकारी व्यवस्था को बहाल कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इसी साल जुलाई में इस नीति को वापस ले लिया था, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि 1 सितंबर से लागू मौजूदा नीति के तहत 768 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है, जिसमें 460 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी और 140 करोड़ रुपए वैट के रूप में शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने आगे यह भी बताया कि अब तक चारों निगमों ने शहर में 400 दुकानें खोली हैं और साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 700 हो जाएगी। अधिकारी के अनुसार आबकारी विभाग ने विभिन्न प्रकार की शराब के 500 से अधिक ब्रांड पंजीकृत किए हैं और अन्य ब्रांडों के पंजीकरण से संख्या और वृद्धि होगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आबकारी नीति 2021-22 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कुल 1485 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो बजट में अनुमानित राशि से 37% कम यानी 2375 करोड़ रुपए था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।